head of the call. Where are the So the news coming from the center is there are also on the pass and they have elected to field first. All the best. Kothari and Nahar Cup 2014. और आप देखेंगे कि बोरा रॉयल्स के सभी खिलाड़ी अब मैदान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए खूबसूरत दास्तान की शुरुआत होती है यहाँ पे भीमाल प्रीमियर लीग कोठारी एंड नाहर कप 2014 दोनों ही ओपनर आप देखेंगे इस समय बोरा रॉयल्स को पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का नेता दिया गया यहाँ पे साउंड स्लैमर्स की टीम को और इसके जवाब में उनके दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मिस्टर पृथ्वीराज जी कोठारी और सुखराज जी नाहर ये दो महानुभाव की सौगात बीपीएल भीमाल प्रीमियर लीग की पहली बॉल हर संभव कोशिश की गई है पृथ्वीराज जी कोठारी और सुखराज जी नाहर की तरफ से कि कोई भी कमी ना रह पाए और अभी तक एक ग्रैंड मेगा इवेंट आप देख सकते हैं क्या ये पहला रन होगा जी नहीं सीधा मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास अच्छी फील्डिंग दीप मिड विकेट के खिलाड़ी के पास इस बार आसानी से खेला गया थोड़ी सी मिसफील्ड सफाई के साथ गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे और दो रन आसानी से मुकम्मल होते हुए इसी दरमियान पहली सफलता मिलती हुई पहला विकेट गिरता हुआ पहला नुकसान शानदार बॉल कोई मौका नहीं फर्नीचर भी करता हुआ बल्लेबाज का क्लीन बॉल फर्स्ट बॉल उनका स्थान लेने के लिए उनकी जगह लेने के लिए यश एम भंडारी मैदान पर मौजूद है तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई अंकित सालेचा तैयार हैं अच्छी बॉल कमाल की गेंदबाजी की जा रही है कहना होगा बोरा रॉयल्स के सभी गेंदबाजों द्वारा हमारे बगल में ही मुंबई पुलिस जिमखाना के इस खूबसूरत ग्राउंड के बगल में ही समंदर मौजूद जब सी फेस हो तो कहीं ना कहीं हवाएं काफी ज्यादा तेज और हवा में गेंद और इस बार एक आसान सा सरल मौका मिलता हुआ रनआउट का चांस लेकिन वो भी नहीं रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी देखने को मिली इस दफा एक आसान सा कैच था लेकिन ड्रॉप होता हुआ कहना होगा कि किस्मत ने साथ दे दिया अन्यथा खुदकुशी की कोई कसर बाकी नहीं रखी थी बल्लेबाज ने पहली बाउंड्री भीमाल प्रीमियर लीग कोठारी एंड नाहर कप की पहली बाउंड्री निकलते हुए यश के बल्ले से यश एम भंडारी के बल्ले से पहला चौका निकला और खुशियों की लहर एनर्जेटिक नजर आए पूरा थीमा साउंड स्लैमर्स का हवा में बॉल और कोई गलती नहीं इस दफा जश्न कुमारी फिर से लौटती हुई बोरा रॉयल्स के खेमे में दूसरे विकेट का पतन होता हुआ साउंड स्लैमर्स की टीम के लिए इस बार हवा में बॉल लेकिन डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के पास मौका नहीं जब तक उस गेंद को वन बाउंस होने के बाद फील्ड करते हवा में बॉल लेकिन कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास अंपायर के इशारे का इंतजार फर्स्ट सिक्सर ऑफ बीपीएल भीमाल प्रीमियर लीग इस बार छोटी लेंथ की बॉल कवर के खिलाड़ी के हाथों में गेंद कहीं ना कहीं टच जरूर हुई थी बॉल एक मौका था वहां पर फिर से छोटी लेंथ की बॉल लेकिन सीधा पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में ऐसा लगा मानो फील्डिंग प्रैक्टिस करा रहे हो कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास गैप में खेला गया स्ट्रोक अच्छी टाइमिंग बेहतर शॉट बढ़िया प्लेसमेंट एक और अच्छा रन मिलेगा यहाँ पे साउंड स्लैमर्स की टीम के लिए और कहना होगा मुझे वेलकम बाउंड्री हुई 34 रन 7.1 ओवर की बॉलिंग के बाद सुभाष हैं स्ट्राइक पर इनके ही बल्ले से हमने पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार 4 रन देखे थे सवाल पूछा गया और तुरंत कबूला गया एम्पायर द्वारा तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ साउंड स्लैमर्स की टीम के लिए तेरा
एक और शख्सियत जो मुझे बहुत ज्यादा बिजी नजर आए इस टूर्नामेंट को लेके, इस इवेंट को लेके, हालांकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन इस बॉल के बाद चर्चा करते हैं। अभी लुत्फ उठाए इस खूबसूरत स्ट्रोक का, सिक्सर का इशारा आता है अंपायर की तरफ से, आउट ऑफ द पार्क, कोई मौका नहीं, जरूरत था इससे बाउंड्री का, होता हुआ साउंड स्लैमर्स की टीम के लिए, इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है, गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग जी नहीं, चूक होती हुई लॉन्ग ऑन के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से, और 4 रन मिलते हुए सुभाष को। अब यहां पर जिस मोमेंटम की अगर बात की ओपनिंग से लौटता हुआ साउंड स्लैमर्स के अच्छे, इस दफा नीरज से, और नीरज ने बताया कहते ना कि खरबूजे को देखकर आपको आपको देखा हालने सुना, इस दरमियान चौका, एक और शानदार चौका निकलता हुआ, दोनों करते हुए कहीं अच्छा समय, लंबे समय से लो फुल टॉस बॉल, काफी अच्छा लंबा स्ट्रोक, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में, और उसके बाद कैच हुआ डीप स्कोर लेके खिलाड़ी के पास, बहुत ज्यादा मौका था, बहुत ज्यादा टाइम था, लेकिन मौके को भुना ना सके, कैच ड्रॉप, कैच छूटा बल्लेबाजों ने, टोरंटो का स्कोर 71 रन। अब विकेट कहीं ज्यादा अच्छा खेल रहा है, जब इस मैच की शुरुआत हुई थी उस समय, और इस दफा अंपायर की उंगलियां करी थी, एक बहुत नुकसान अच्छी बल्लेबाजी सुभाष द्वारा, एक बार फिर से स्पिन आक्रमण पर, फुल टॉस बॉल गैप में खेला गया, बाउंस इनटू द फेंस, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, 4 रन मिलता हुआ ओवर की पहली बॉल पर, जेनिल बाफना आए हैं अपना आखिरी ओवर, और पहली बॉल पर जेनिल को सफलता मिलते हुए, बड़ा विकेट यहाँ पे टीम के लिए, एकमात्र ऐसा बल्लेबाज जो इतनी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा था नीरज, अब वो भी चले दगा पे, 5वें विकेट का पतन 87 रनों के लिए, दोनों ही बल्लेबाज अच्छे नजर आ रहे थे, सुभाष की बात कर लें या फिर 5वां विकेट गिरा नीरज के रूप में, और ये तब आउट हुए कहीं ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे, कहीं ज्यादा बेटर नजर आ रहे थे, उस समय दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना विकेट गंवाया, और नीरज ने तो ऐसा कहूंगा कि मानो तोहफा दे दिया, और इस दरमियान ऑलमोस्ट विकेट जा चुका था, लेकिन इस बार विकेट कीपर थोड़ी सी जल्दबाजी, इंसान गलतियों का पुतला होता है, कोशिश यही करें कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, एक लाइफ मिलता हुआ नए बैट्समैन को, मुंबई पुलिस के इस जिम खाना पे किसका खुमार, भिनमार फीमेल लीग, कोठारी और नहर कप चलता जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, फोटोग्राफी की जा रही है, डगआउट्स आप देखेंगे, कमाल के पंडाल्स बनाए गए हैं, किसी भी कमी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। अभी अब अगर चले इस समय मैदान की तरफ तो 16 ओवर की शुरुआत होती हुई, पहली बॉल पर गुड लुकिंग स्ट्रोक, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, 4 रन का इशारा आता है अंपायर की तरफ से, मौका है कम से कम 130-140 रन तक जाए, और शानदार बेहद ड्राइव के साथ 100 रन मुकम्मल, 103 साउंड स्लैमर्स के 100 रन पूरे, 103 रन इस शानदार, और खेल में जब आप फिट हैं तो हिट हैं, जी हां कुछ इस तरह से शानदार कैच, जी नहीं, एक समय ऐसा लगा कि कॉटन बॉल हो चुका है, मुझसे कहीं ज्यादा एक्साइटेड नजर आए राहुल, इस दफा गेंद की गति का इस्तेमाल किया गया रन गैप में, जरूरत था इस चौथे राहुल दोषी एक बार फिर से मुखातिब होते हुए हम सभी से 19वां ओवर लेके फेस, और पॉइंट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, डगआउट जोर से चिल्लाए, लोगों से बातें की जाएंगी, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, अभी गेम पर कॉन्सेंट करें, हवा में बॉल काफी लंबे समय तक, क्या पकड़ा गया उस कैच को, जी हाँ
को लगा ही नहीं कि इतनी आसानी से वो इस कैच को पकड़ लेंगे। ऐसा लगा मानो कि करंट कभी नहीं बॉडी में, यही तो है खुद जब आप जो बड़े काम को आसानी से कर दे तभी मानता है। ग्रेट वेरी ऑसम कैच। चेतन बी सेठ ने लाजवाब कैच लिया, चेतन सभी लोग खुश। इस बार राहुल की ये गेंद फिर से हवा में, फिर से चेतन वहां पर मौजूद और इस दफा मानो नजर लग गई। यही होता है हिसाब कह सकते हैं कमेंटेटर्स कि एक जी नहीं मेरी टिप्स भी कुछ काम नहीं आने वाली। एक और विकेट का पतन रनआउट के शानदार अंदाज से आपकी की आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 126 रन 20 ओवर। शुक्रिया डीजे। जो नॉन स्ट्राइक एंड पर और ये है चेतन के लिए गेंद। इस बार सवाल पूछा जा रहा है लेकिन जोश में ही हाथ हवा में खड़े हुए थे, विश्वास में कम। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, सिर्फ लुत्फ उठाए। शानदार चौका टॉप क्लास कैच। फुल लेंथ की बॉल अब लगातार की जा रही है। इस बार फील्डर थोड़ी सी डायरेक्ट हिट, सभी खिलाड़ी इस बार अपील करते हुए और डग आउट में साउंड स्लेमर्स के भी काफी ज्यादा उत्साह लेकिन अंपायर के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। कोई खतरा नहीं, हालांकि अच्छी बॉल अच्छी फील्डिंग लेकिन उतनी अच्छी रनिंग। ओवरऑल गुड क्रिकेट के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। कभी कभी जब बहुत ज्यादा आप सोचने लगते हैं तो देखा कुछ इसी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। छोटी लेंथ की बॉल, गति भी इतनी ज्यादा नहीं और शानदार अंदाज से अभिषेक ने एक और चौका करा। लुत्फ उठाएं, एक बेहद ही नजाकत है, अच्छा रन निकलता हुआ आखिरी ओवर की संभवतः आखिरी बॉल पर। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति से इस ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 38 रन एक विकेट के नुकसान के बाद अब फील्डर्स बाउंड्री के लाइन के आसपास भी आपको नजर आएंगे पहले की तुलना में ज्यादा। चेतन शाह तैयार हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन सेठ के लिए। चेतन बनाम चेतन पहली बॉल पर लेके कर आसानी से रन मुकम्मल हुआ। नजाकत और क्लास कहें जितनी तारीफ करें उतना कम। बेहद खूबसूरत निकलता हुआ बल्लेबाज अभिषेक के बल्ले। अभिषेक हरन स्ट्राइकर मौजूद अपने खूबसूरत चार रन के साथ
एक ही नाम के कई खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पे जलवा है अभिषेक हरण का एक और शानदार चौका। चेतन लगातार ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए, संकेत लगातार ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए, संकेत बता रहे हैं कि अब 12 ओवर्स में 72 रन बनाने हैं, 6 रन प्रति ओवर की दर से, 6 रन पर ओवर। बोरा रॉयल्स नीड्स 72 मोर फ्रॉम 12 ओवर्स, 72 पे 72 और 4 रन के साथ वेलकम किया गया यहां पे 9 ओवर में। शॉर्ट पिच की बॉल, जी हाँ, अब ये हथियार कारगर सिद्ध होता है। और इसी दरमियान, जी हाँ, जिसका इंतजार था अब वहां पे आते हुए खुशियों की दूसरी खुराक मिलती हुई, चेतन शाह ने दिलाई दूसरी सफलता। और अब एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर दस्तक दे चुका है, कहते हैं कि जिसके आने के पहले उसकी दस्तक पहुंच जाती है, राहुल बोहरा बेहद ही प्रतिभावान। और पहली बॉल जितने कॉन्फिडेंस के साथ खेला गया राहुल द्वारा, इससे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और ड्रेसिंग रूम से ही, अपने डगआउट से ही सेट होकर आए हैं राहुल। एक रन के साथ 9 ओवर मुकम्मल, 9 ओवर के कंप्लीशन के बाद स्कोर जा पहुंचा है 62 रनों पर, 62 रन टोटल के अंदर के बाद। 10 ओवर की शुरुआत होती हुई, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए बॉलर इस समय गेंदबाजी के लिए आए और पहली बॉल पे राहुल बोहरा का शानदार कवर ड्राइव। ये अच्छी बॉल, लेकिन उतना अच्छा कर लगे सीधा पॉइंट के खिलाड़ी के पास, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ और ये बहुत बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। अभिषेक के एक बहुत ही कीमती विकेट का पतन, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और अब राहुल बाफना का, राहुल बोहरा का साथ निभाने के लिए आ चुके हैं विशाल बाफना। और ये आपको बता दें बहुत महंगे हैं विशाल बाफना, ऑक्शन में काफी महंगे विकेट थे विशाल। जी हाँ, भिनमाल प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, कमाल है। और पहली बॉल को शानदार अंदाज से कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला 4 रन के लिए। ये है पहचान राहुल की, राहुल बोहरा की। अरे ये कहां कर दिए, ये तो तोहफा। और अब चेतन शाह को लाया गया है आशीष की जगह, रिप्लेस किया गया। और पहली बॉल पर विशाल के बल्ले से निकला शानदार शॉट, कोई मौका नहीं निकले किसी खिलाड़ी के पास। साउंड स्लैमर्स की टीम के पास, लेकिन जी नहीं, विशाल बताते हुए कि मैं भी यहां पर मौजूद हूं। विशाल के बल्ले से निकला शानदार के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। कमाल की फील्डिंग, चेतन शाह वहां पर मौजूद थे। और इस दरमियान एक बड़ा विकेट मिलता हुआ, कितनी देर हुई है या कितना सही टाइम पे ये विकेट आया है अब पता लगाएंगे आने वाले कुछ ओवर्स में, लेकिन यहां पे राहुल का बड़ा विकेट मिलता हुआ साउंड स्लैमर्स की टीम को। क्या ये मैच फंस गए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन इस बार खराब गेंद कर दी, लेकिन जी नहीं, बहुत गलत साउंड स्लैमर्स के नजरिए से 4 रन मुकम्मल हुए जहां पे विकेट होने चाहिए थे।
आप गुजरात को देख सकते हैं, इसमें कैप्टन मुकेश बाफना बहुत ज्यादा मिला नजर आते हुए। अल्लाह में बॉल्स पे 16 रन बनाने थे, अभी से रन की सहायता से स्कोर जब जा पहुंचा है 112 रनों पर, 112 रन हो चुके हैं, मंजिल अब और नजदीक आते ही नजर आ रही है। लेकिन इसी दरमियान सीधा कैच थमा बैठे कवर के खिलाड़ी के पास से, कोई गलती नहीं की गई, 15 नंबर की जर्सी पहने कवर पर मौजूद थे और रास्ता दिखाए यश को। मैच अब टक्कर का चलता हुआ, कांटे का मुकाबला चलता हुआ, मुकेश चले कैप्टन बाफना, अच्छी कीपिंग और जरूरत नहीं था, जोश में कहीं ना कहीं एक रन दिए गए और जी नहीं, एक रन और मुकम्मल होता हुआ। ये यहाँ पे खराब खेल, इस बार अच्छा हुआ कि बैकअप मौजूद था। कवर पे एक खिलाड़ी और एक स्क्वायर लेग पे, पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे, अगर आप 30 यार्ड सर्कल, लेकिन सेटिंग निशाना निश्चित तौर पे आउट होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट साफ सुन गया ऐसा लग रहा है बोरा राज के टीम ने, एक ऐसा विकेट जिसके ऊपर सभी की निगाहें थी, खास करके स्टाउन स्लैमर की, विशाल बहुत ज्यादा निराश नजर आते हुए। विशाल बाफना के बड़े विकेट के बाद अब एक बार फिर से मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है, कमाल की फील्डिंग, सटीक निशाना स्टंप पे और विशाल को किया गया बॉलिंग की तरफ रवाना। मितेश आए हैं, कहीं एक बार फिर से स्टंप पे डाक निशाना, जी नहीं, इस बार बाल बाल बचे, अब बनाने हैं बस 4 रन बची हुई 12 गेंदों में, 12 पे 4, 12 गेंदों में 4 रन की जरूरत, 4 रन टूल इन रिमेनिंग 12 बॉल। बोरा रॉयल्स के सभी सपोर्टर्स बाउंड्री लाइन के आसपास खड़े हुए कि कब विजय स्ट्रोक निकले, कब विनिंग स्ट्रोक निकले और हम जश्न मनाते हुए ग्राउंड की तरफ। अब फील्डर्स को ज्यादा आगे रख लिया गया है, इन कहना होगा कि देर कर दिए मेहरबान, आते आते काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन देखते हैं कितना लड़ते हैं। लेकिन जी नहीं, ये विनिंग स्ट्रोक निकला शानदार अंदाज से बल्लेबाज जेनिल बाफना के बल्ले से, और उसके साथ ही बोरा रॉयल्स पहले मैच में उनको जीत मिलती है बीपीएल थोड़ा सा रोमांचक रहा मुकाबला, कभी भी मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत समय में सब कुछ ठीक और शानदार अंदाज से 4 विकेट से बोरा रॉयल्स की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की हिंदमाल प्रीमियर लीग की। बोरा रॉयल्स के खेमे में एकदम जश्न का माहौल आप देख सकते हैं, एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ सन्नाटा। मैं हमारे बीच पृथ्वीराज कोठारी मौजूद है और पृथ्वीराज कोठारी मुझे बताते हुए कि हमारे बीच आज के मैच के बोरा के मैन ऑफ द मैच के विजेता अभिषेक हरन, जिन्होंने 40 रन बनाए, 29 बॉल में 40 रन बनाए। इतना बड़ा सम्मान और भी इतने सम्मानित इंसान के हाथ, तालियां हो जाए एक बार पृथ्वीराज जी कोठारी के हाथों। अभिषेक, आपके इस सम्मान में 4 चांद लग जाएगा। पृथ्वीराज जी कोठारी यहां पे खुद मौजूद और लंबे समय तक ये परफॉर्मेंस अभिषेक को याद रहेगा। और आपको बता दें इसके साथ ही साथ नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से भी अभिषेक के लिए स्पेशल हेल्थ चेकअप पैकेज वाउचर भी मौजूद है, जैसा कि मुझे निकांशु जी लगातार बताते हुए, और इसको देने के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमारे बीच मौजूद डॉक्टर कविता यहां पे मौजूद हैं, स्पेशल गिफ्ट वाउचर नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से डॉक्टर कविता की तरफ से, जोरदार ताली हो जाए प्लीज डॉक्टर कविता के लिए।
हेल्थ वाउचर यहाँ पे दिया जा रहा है डॉक्टर कविता की तरफ से, नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से डॉक्टर कविता जी हेल्थ वाउचर। और इसके साथ ही साथ हम कैसे भूल सकते हैं कि नासा की तरफ से एप्पल गिफ्ट वाउचर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं चलता हूं अभी की तरफ, अभी इतने सारे इनाम यार पहली मैच में कहां रखोगे, इतने सारे ट्रॉफियां और इतने सारे गिफ्ट वाउचर्स। ये प्राइजेस मेरी टीम के लिए है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा किया, मैं उनके लिए पूरा चीज है। और स्पेशली ये मेरे फैमिली के लिए है, मेरे डैड के लिए, ये इनिंग उनके लिए थी, लव यू डैड। चलिए थैंक यू अभिषेक। चलिए इतने में प्रेजेंटेशन सेरेमनी की समाप्ति करते हैं, पहला मैच का समाप्ति प्रेजेंटेशन सेरेमनी की, बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बोथ द टीम।